कार्डबोर्ड की रंगोली बनाने के लिए कार्डबोर्ड को फूल के आकार में काट लेंगे। मैंने पहले से ही काट रखा था। फिर टॉयलेट पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। आप टॉयलेट पेपर की जगह न्यूज़ पेपर या कोई और पेपर का उपयोग कर सकते हैं। इसमें फेविकॉल और एक्रेलिक कलर को अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिला लें। फिर कार्डबोर्ड पर फेविकॉल लगाकर उस पेस्ट को फूल के आकार में लगाते जाएँ। मैंने आपको क्रेप पेपर से भी करके दिखाया है। इसको भी छोटे छोटे टुकड़े करके फेविकॉल और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे। अब कार्डबोर्ड पर फेविकॉल लगाकर उस पेस्ट को थोड़ा थोड़ा करके लगाते जाएं। आप किसी भी कलर और डिज़ाइन की रंगोली बना सकते हैं। बीच में बची जगह पर हरा कलर कर देंगे। इसी तरह हमने पहले से ही बीच के हिस्से को बना के रख लिया था। शीशे लेकर उनको रंगोली के कोनों पर लगाने के लिए कटे गए कार्डबोर्ड पर लगाने देंगे। चारों हिस्सों पर लगा देंगे और कुछ शीशे रंगोली पर भी लगा सकते हैं। इस तरह की रंगोली देखने में सुंदर लगती है और इसको सालों साल इसका उपयोग कर सकते हैं और ये खराब भी नहीं होती और कम खर्च में बन जाती है। आप चाहें तो किसी भी पेपर से बना सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो। इससे आप इसको कम खर्च में बना पाएंगे। आपको मेरी ये घर में कम खर्च में बनी रंगोली कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक कार्डबोर्ड पर मास्किंग टेप चारों कोनों पर लगा लेंगे। सभी कोनों पर वेलवेट के कपड़े को कार्डबोर्ड पर लगा देंगे और अपनी पसंद के अनुसार किसी भी तरह की लेस को कार्डबोर्ड के चारों कोनों पर लगा लेंगे। फिर एक गणेश जी का मुख लेकर उस पर ग्लू लगाकर उसे कार्डबोर्ड पर चिपका देंगे। और गोटा पट्टी से ग्लू लगाकर शुभ लाभ लिख लेंगे। आप किसी और से भी लिख सकते हैं, मैंने लेस से लिखा है। फिर नीचे की साइड लक्कन को ग्लू से कार्डबोर्ड पर मास्किंग टेप चिपका देंगे। आप किसी और तरह से शुभ लाभ बना सकते हैं। आप क्ले से भी शुभ लाभ लिख सकते हैं और उस पर रंग करके बना सकते हैं, वो भी देखने में सुंदर लगेगा। आप बेकार पीले इसका उपयोग कर सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो इससे आप इसको कम खर्च में घर में बना सकते हैं। खुद से बना हुआ क्राफ्ट बहुत अच्छा लगता है और हमारे शुभ लाभ बनकर तैयार है। कैसे लगे हमें ज़रूर बताएँ। कुछ दिए और क्ले से सभी दियों को ग्लू की सहायता से एक एक करके चिपका लेंगे और फिर एक पाइप को से दिए के बीच में रखकर उस पर क्ले लगाकर मजबूत कर लेंगे। उसके ऊपर भी कुछ दिए क्ले से चिपका लेंगे और सभी दियों पर रंग करते जाएंगे। एक्रेलिक कलर कर लेंगे। आप कोई भी कलर उपयोग कर सकते हैं। मैंने एक्रेलिक भी उपयोग किया है। आप चाहे तो वाटर कलर का उपयोग कर सकते हैं, उससे भी ये सुंदर बन जाएगा। आप किसी भी तरह के अलग अलग कलर इसको सुंदर बना सकते हैं। आप चाहें तो गोल्डन कलर करके इसको सुंदर बना सकते हैं। मैंने रंग बिरंगा बनाया है। आप चाहें तो और किसी भी तरह से सजा सकते हैं। हमारा दिया स्टैंड बनकर तैयार है। इसको हमने जलाकर भी दिखाया है। जलने के बाद ये देखने में कितना सुंदर और आकर्षित लग रहा हो। कैसा लगा हमारा ये आइडिया हो हमारा ये स्टैंड हमें ज़रूर बताएं। अब कुछ प्लेट लेंगे और उस पर अपने मन पसंद के रंगों को कर देंगे। सभी प्लेटों पर रंग कर देंगे। रंग फोम की सहायता से करेंगे तो आसानी हो।
भी आप 3D कोन से डिज़ाइन बना लेंगे, आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने तो इस तरह से बनाया है। यह है मेरी ये 3D कोन चल नहीं रही थी, तो मैंने सेब कलर से ब्रश की सहायता से डिज़ाइन बना लिया। क्या आपकी भी 3D कोन नहीं चलती मुझे कमेंट में बताएं। मैंने पहली बार यूज़ की थी और यह मत बार ये चल नहीं रही, पता नहीं बहुत टाइट चल रही थी, डिज़ाइन बनाने में दिक्कत हो रही थी। अब इस पर ग्लू की सहायता से मन अनुसार किसी भी डिज़ाइन के शीशे लगा सकते हैं, जो इसको और भी आकर्षित बनाएगा और ये देखने में बेहद सुंदर दिखाई देगा। घर में पानी डिस्पोजल की प्लेट का उपयोग कर आप कम खर्च में अपने घर की दीवार को सुंदर बना सकते हैं, जो देखने में बेहद सुंदर दिखती है। आपको मेरा यह आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक ज़रूर करें।